अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और आप देख रहे हैं पार्ट थ्री ऑफ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन पंजाब पाकिस्तान। यानी कि हम बात कर रहे हैं पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में, और पार्ट वन में और पार्ट टू में हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत तो एग्जेम्प्ट इनकम है, लेकिन जो प्रोविंसेस हैं वो उसको टैक्स कर सकती हैं, और पंजाब के प्रोविंस ने 1997 से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को किया। उसके अलावा जो डेफिनेशन है कि एग्रीकल्चर इनकम में आती कौन सी है, और उसकी डेफिनेशंस और कंपैरिजन इनकम टैक्स लॉ के साथ, आज हम बात करेंगे कि आप एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअली लॉ के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक सेक्शन 3 के मुताबिक कैसे कैलकुलेट करते। सेक्शन 3 कहता है कि देर शेड बी लेविड, असेस्ड एंड कलेक्टेड ईच ईयर अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो बेसिकली जो इनकम, जो टैक्स होनी है वो एग्रीकल्चर इनकम होनी है, और हर साल टैक्स होनी है, और उस पे जो रेट्स लगने हैं वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए हुए। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल यानी कि एग्रीकल्चर इनकम जो है, क्या कहते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट्स दिए उसके मुताबिक। लेकिन सवाल ये है कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी वाली, मतलब कैसे आप कहेंगे कि ये एग्रीकल्चर है इनकम है। तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द कल्टिवेटेड लैंड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर शेल बी डीम्ड, डीम का मतलब है उसको समझा जाएगा टू बी एग्रीकल्चर इनकम। तो सेक्शन 3 का जो पहला पार्ट है वो ये कहता है कि जो ये कल्टीवेटेड लैंड है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। जितना आपने लैंड कल्टीवेट किया होगा उतनी कंसिडर की जाएगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम, और उस एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगेगा, और उसका रेट्स जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिया। तो हाँ, अभी हम आते हैं इस फर्स्ट शेड्यूल पर और देखते हैं। इस वीडियो में मकसद होगा कि आप अगर लैंड ओनर हैं, एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाए, कंसल्टेंट वगैरह हैं तो आपको पता चल जाए कि लॉ क्या कहता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कहता है कि स्लैब ऑफ टोटल कल्टीवेटेड लैंड जो एग्रीकल्चर इनकम के तौर पे कंसिडर की जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा, उसकी कॉम्पिटेशन ऐसे करनी है कि अगर वो इरीगेटेड लैंड है तो उसको आपने एक एकड़ इरीगेटेड लैंड कंसिडर करना है, और अगर वो अन इरीगेटेड लैंड है तो 2 acres ऑफ अन इरीगेटेड लैंड को आपने 1 acre ऑफ इरीगेटेड लैंड के बराबर कंसिडर करना है, एक्सक्लूडिंग मिच्योर ऑर्चर्ड्स। तो जो पार्ट टू की वीडियो में जो है मिच्योर ऑर्चर्ड्स को इस तरह डिफाइन किया गया था कि मैंगो या और जो है ना फ्रूट्स जो मिच्योर होते हैं उनके ऑर्चर्ड होते हैं, और मैंगो के केस में 7th year 7वां साल, और किसी और फ्रूट के केस में जिसके ऑर्चर्ड्स होते हैं उसके केस में 5th year उसको मैच्योर ऑर्चर्ड कंसिडर किया जाएगा। इसका ये मतलब भी है कि ऑर्चर्ड्स भी पहले, दूसरे, तीसरे साल जो है इसी रेट से, अगर वो इरिगेटेड हैं या वो अन इरिगेटेड लैंड है, इसी रेट से उन पे टैक्स लगेगा। लेकिन मैंगो के केस में 7th year में रेट चेंज हो जाएगा, वो हम देखते हैं जो यहाँ पे गिवन है। लेकिन अभी ऑर्चर्ड्स को अगर आप एक नज़र साइड पे रख दें, और आपकी आम, आपने वीट या कॉटन या कोई और क्रॉप लगाई है, और सपोज करें कि आप 12.5 acres या इससे कम लैंड ओन करते हैं, तो आप पर उस साल, हर साल जो है ना, कोई भी 0 जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होगा, और आप उस पे जितने भी आपके कल्टीवेटेड लैंड होगा उस पे कोई इनकम नहीं बनेगी, अभी तक जो हमने रेट देखा। आगे देखते हैं कि शायद इसमें कुछ और कुछ चीज ऐड हो, क्योंकि यहाँ एक सेकंड शेड्यूल भी दिया है, इसकी भी बात होगी। लेकिन अगर आप वो लैंड होल्ड कर रहे हैं 12.5 acres और आपने जो है ना वो इरीगेटेड है, या आप जो है कि कहते हैं इसको डबल कर दें, तो ये बन जाएगा, अगर आप 24 एकर्स जो है क्या कहते हैं अन इरीगेटेड लैंड होल्ड कर रहे हैं और अन इरीगेटेड लैंड है, तो तब भी वो 12.5 acres बनेगा। तो अगर उसको करेंगे एक इरीगेटेड लैंड में कन्वर्ट करेंगे, तब भी आप पे टैक्स नहीं है। अब अगर आप जो है 15 एकर्स इरीगेटेड लैंड होल्ड करते हैं, 15 एकर्स इरीगेटेड में से माइनस कर देंगे 12.5 acres,
कर लेते हैं जी 15 माइनस 12.5, तो आपके पास 2.5 एकड़ आ जाएंगे, उसको आप 150 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 375 रुपीज आपका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बनेगा उस साल का। और फिर आप अपनी एग्रीकल्चर टैक्स रिटर्न उस साल के बाद, यानी सपोज करें हम इस साल में हैं तो जून 2020 में ये इतना टैक्स बन जाएगा, और जुलाई 2020 में आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, साथ में 375 रुपीज फाइल करेंगे। वो भी हम देखेंगे, वो इंशाल्लाह पार्ट 4 में देखेंगे कि टैक्स फाइलिंग क्या है और कुछ और सिनेरियोस क्या हैं। अब अगर आते हैं कि आप जो है ना इरिगेटेड लैंड होल्ड करते हैं 50 एकर्स या 55 एकर्स, तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी? तो अगर आप जो है ना होल्ड करते हैं एक्सीडिंग, तो ये जो रेट उन्होंने दिए हुए हैं इसमें फर्स्ट जो 12.5 से लेके 25 के दरमियान बन के 12.5 एकर्स आ गए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, और जो है उसके बाद रिमेनिंग 26 से लेके 55 तक आपके जो है 25 माइनस 25, तो 55 माइनस 25, तो 30 एकर्स जो आपके रिमेनिंग हैं उसको आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप चलते जाएंगे और ये आपके पास टैक्स आ जाएगा 30 × 250, 7,500, और दूसरा 150 जो है 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 150 इज इक्वल टू 1,875 जमा 7,500, तो 9,375 आपका टैक्स बन जाएगा अगर आप 55 एकर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड होल्ड कर रहे हैं। अगर ये अनइरिगेटेड लैंड होता तो ये 55 जो है डिवाइड हो जाता है 2 पे और 27.5 बनता, और उसी तरह इस स्लैब में ये फॉल करते। अब सपोज करें कि इस साल आपके ऑर्चिड्स मैंगो के या और फ्रूट्स के वो मिच्योर हो गए, 7वां साल है या 5वां साल है, तो उस साल आपने पर एकड़ 300 रुपीज देने हैं इरिगेटेड। अगर आपका लैंड है 5th ईयर में या 7th ईयर में और अनइरिगेटेड है, तो 150 पर एकड़ आपने देने। तो इस तरीके से मच्योर ऑर्चिड्स की अलग से कैलकुलेशन है। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो जिस तरह 375 रुपीज या 9,375 ये आपका एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा, लेकिन बेसिकली 2000 जो है क्या कहते हैं, ये आ जाते हैं हम वापस 97 के बाद, फिर 2001 में एक नया तरीका आया, सेक्शन 2 तो स्किप है, सेक्शन 3 कहता है, और ये इंपॉर्टेंट है कि देयर शेल बी लेविड असेस्ड एंड कलेक्टेड फॉर ईच असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2001 एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द इनकम ईयर ऑफ एवरी पर्सन एट द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन सेकेंड शेड्यूल। ये भी एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा है, ये सेक्शन भी एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली यहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड को टैक्स बेस बनाया गया और कहा गया कि जितना आपका कल्टीवेटेड लैंड था, जो अभी आपने 5 मिनट देखा मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि कितने एकर्स हैं उसमें से इरिगेटेड है या मच्योर ऑर्चर्ड्स है, वो सब कैलकुलेट करके आप एक फिक्स टैक्स पे करेंगे। अब जो है जुलाई 2001 के बाद से हर असेसमेंट ईयर में, वही जून के बाद जो नेक्स्ट जुलाई होता है, जैसे जुलाई 2020 होगा, उसमें आप अपनी कल्टीवेटेड लैंड के बेसिस पे टैक्स तो कैलकुलेट करेंगे, साथ ही आप अपनी टोटल एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करेंगे। और टोटल एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मकसद ये है, यहाँ टोटल एग्रीकल्चर इनकम से मुराद है कि जितना आप अपना जो जो क्रॉप है वो जब आप बेचेंगे और उसको उगाने और बेचने के जो खर्चे हुए वो माइनस करके जो नेट इनकम आएगी, वो आपकी यहाँ टोटल एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही है। और उसको अगले पार्ट में, पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी सेल, यानी वो जो अपने क्रॉप सेल की है, उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस कल्टीवेशन के, ग्रोथ के, मार्केटिंग के माइनस कर सकते हैं, और जो नेट एग्रीकल्चर इनकम आएगी उस पर टैक्स लगेगा, और वो सेकेंड शेड्यूल में जो रेट्स दिए हैं जो अभी हम देखेंगे उस मुताबिक कैलकुलेट होगा। तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक इस सेक्शन के तहत जो कल्टीवेटेड
लैंड बेस पे हैं, और एक उस केस में सपोज करें कि आप कल्टीवेट ही नहीं करते अपनी लैंड उस पे, तो फिर तो खैर दोनों केस में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप साल में एक दफा भी करते हैं और आपको शायद कोई एग्रीकल्चर इनकम मतलब इतना मुनाफा ना हो, तो लेकिन यहाँ वाला टैक्स आपका कल्टीवेटेड लैंड वाला ज्यादा है, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा, जैसे ये सेक्शन 4 कहता है कि आउट ऑफ द टू टैक्सेस असेस्ड अंडर सेक्शन 1 और 3 एन एस एस सी शैल बी लाइबल टू पे वन टैक्स द अमाउंट विच इज ग्रेटर। यानी कि आप अपनी टोटल जो आपने एग्रीकल्चर सेल की उससे जितनी नेट इनकम कमाई वो कैलकुलेट करेंगे, जो अगले पार्ट में हम देखेंगे, और उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे सेकंड शेड्यूल के मुताबिक जो अभी देखेंगे, और एक जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कल्टीवेटेड लैंड के बेस पर आपने कैलकुलेट। इन दोनों फिगर्स में से जो हायर फिगर होगी, जो बड़ी अमाउंट होगी, वो जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 55 एकर्स इरिगेटेड लैंड के लिए हमने 9,375 रुपीज एनुअल टैक्स कैलकुलेट किया। अब हम सेकंड शेड्यूल पे जाते हैं और सेकंड शेड्यूल पे देखते हैं कि उन्होंने क्या रेट्स दिए हमें, और वो रेट्स क्या हैं। तो आ जाते हैं सेकंड शेड्यूल, वो कहता है जहां पे सपोज करें वो जो 55 एकर्स आपके पास इरिगेटेड लैंड था उस पे आपने 15 लाख रुपए कमाए, तो वो 10 लाख से ज्यादा थे, तो 10 लाख से कम हो तो उस पे 5% है, और अगर स्टार्टिंग पहले 80,000 पे 80,000 पे कोई टैक्स नहीं है, तो अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टोटल नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी 80,000 है, तो फिर इस केस में तो जीरो टैक्स इस हिसाब से बन जाएगा, और वो कल्टीवेटेड लैंड के हिसाब से एक और फिगर आ जाएगी और वो फिगर हायर होगी। लेकिन अगर आपने 55 एकर्स के हिसाब से जिस पे कल्टीवेटेड लैंड के हिसाब से 9,375 रुपीज टैक्स बना था, अब हम उस पे देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि आपने जो नेट एग्रीकल्चर इनकम कमाई वो 15 लाख थी, जो इस ब्रैकेट में फॉल करती है या इस स्लैब में फॉल करती है, तो पहले 1 मिलियन पे 10 लाख पे तो 5,000 है, तो 5,000 हो गई, और उससे ऊपर जो अमाउंट है उस पे 7.5% है, तो उससे 10 लाख से ऊपर और 20 लाख से कम आपने 5 लाख कमाई, तो 5 लाख पर जो है मल्टीप्लाइड बाय 7.5% कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना टैक्स बनता है, 5 लाख पर मल्टीप्लाइड बाय 7.5%, तो ये आ गया 37,500 जमा 5,000, तो ये आ गया 42,500। तो अगर आपने 55 एकर्स इरिगेटेड लैंड पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे, आपने नेट 15 लाख इनकम कमाई है, तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक आप पर टैक्स बन जाएगा 42,500, और जो इसी 55 एकर्स इरिगेटेड लैंड पे जो टैक्स आपने इसके हिसाब से कैलकुलेट किया था वो बन गया 9,375। तो 9,375 कम है और 42,500 ज्यादा है, तो आप इस हिसाब से अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न में ये अमाउंट एंटर करेंगे, ये हायर होगी, और आप जो है ना इसको, और इसको नॉर्मली मैन्युअली जो है किया जाता है, लेकिन खैर वो भी वेबसाइट वगैरह का भी देख लेंगे कि वेबसाइट की क्या हालत है, आया आप ऑनलाइन इसको अब कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो आजकल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है वो होगा। तो बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पंजाब में कैसे कैलकुलेट होती है वो आपने इस वीडियो में देख ली, के दो तरीके हैं, कल्टीवेटेड तरीके से और या एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से, और फिर लिखा हुआ है कि इन दोनों टैक्सेस में से कौन सा टैक्स ग्रेटर होगा वो करेंगे। अब बात रहेगी कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेट करने का ये तरीका है कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक छोटी सी बात के पिछले दिनों ये सेक्शन 3A के मुताबिक बहुत सारे लोगों को नोटिसेस इशू हुए थे, जिनका मकसद था कि टैक्स ईयर 2013 से पहले एग्रीकल्चर उनसे डिमांड की गई थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने वो केस स्टे करवाया हुआ है, तो उसको भी देख लेंगे एक नज़र किसी टाइम। और उसके अलावा असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में उन्होंने कलेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि वो टैक्स असेस करे और कलेक्ट करे। अगर आप ये तो वैसे सेल्फ असेसमेंट के तहत करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कलेक्टर करेगा। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, आप देख रहे हैं टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन पंजाब, और जो है ना स्टे सेफ। आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है, हैव अ नाइस डे, थैंक
थैंक यू।